वेलकम टू जुनून बैच। ये आज हम लोग का लेक्चर नंबर 18 आ गया। सबसे पहले बच्चे आप लोग कैसे हैं? नीट के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फ्रिक्शन हम लोग का ये चल रहा था पार्ट नंबर 3। ये फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग नीट और PMT से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया नीट 2016 का। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है लेकिन इसको आप सेपरेटली हम लोग सीखेंगे तो सीख पाएंगे आराम से। बोला जा रहा है कि एक कार है जो ऑलरेडी बैंक किया हुआ रोड। बैंक करने का मतलब है, देखिए बैंकिंग, ये दो टॉपिक को एक साथ मर्ज किया गया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप दो टॉपिक है, एक टॉपिक है मैं लिखता हूँ फिर मिटाऊँगा, आप लोग लिख लेना। दो टॉपिक को एक साथ मर्ज किया गया, दो टॉपिक को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि एक प्लेन रोड है, एक प्लेन रोड है, ऐसा सपोज कीजिए एक प्लेन रोड पर एक कार को घूमना है, एक पार्ट कार को घूमना है। तो इसको ऐसे नहीं बना के हम लोग ऐसे बनाते हैं, समझ में आएगा। एक कार को इसमें टर्न लेना है, देखिए इसको समझने के लिए हम लोग को दो टॉपिक का समझना ज़रूरी है, ठीक है। दो टॉपिक क्या क्या आएंगे, एक टॉपिक होगा जो एक प्लेन रोड या हॉरिजॉन्टल रोड पर एक कार का टर्न लेना, उसमें कैसे हम लोग फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। सपोज के लिए कार टर्न ले रहा है, तो टर्न जब भी लेगा तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, FC, सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स आप लोग आगे सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स का काम क्या होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स कहीं भी, सेंट्रीपेटल फोर्स आपको बताऊंगा मैं पहले बाद में, कोई भी चीज़ अगर टर्न लेगा तो वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। आप एक कार में ऐसे जा रहे हैं, आपको कहीं टर्न लेना है, ऐसे टर्न लेना है। जब आप टर्न लेंगे तो क्या होगा, टर्न लेंगे तो स्कीड करने का, फिसलने का डर रहेगा। तो आपको टर्न लेने में कौन हेल्प कर रहा है, टर्न लेने में फ्रिक्शन, जो रोड का फ्रिक्शन है वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। ऐसे जब आप टर्न ले रहे हैं तो फ्रिक्शन, रोड का फ्रिक्शन होने के कारण आप टर्न ले पा रहे हैं। अब सपोज कीजिए रोड पर फ्रिक्शन नहीं है, पानी जमा है या उस पर कुछ स्लिपरी कुछ दिया हुआ है, पानी स्कीड जिससे आप स्कीड कर सकते हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी गाड़ी स्लिप कर जाएगी, स्कीड कर जाएगी पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ का जो थ्योरी होता है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो फ्रिक्शन आप लोग जानते हैं μmv²r, तो n का मतलब यहाँ क्या होगा, n का मतलब यहाँ mg होगा, μmg²r, ठीक है। तो ये एक थ्योरी आपको पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है, इसमें ये एक लगेगा। और दूसरा यहाँ पे है कि एंगल ऑफ बैंकिंग, इसका भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। दोनों को मिला के ये डायग्राम बना है इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन दोनों जब अलग अलग सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा है रोड पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ है कि बैंकिंग ऑफ रोड दिया हुआ है, बैंक किया गया मतलब बैंकिंग ऑफ रोड है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, देखिए बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है, सपोज कीजिए ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इस पर आपको टर्न करना है, तो ऐसे कहीं टर्न कर रहे हैं, ये सपोज के लिए कार है आपकी, टर्न कर रहे हैं। अब टर्न करने में क्या होता है, आपको स्पीड का कम करना पड़ता है, आपकी वेलोसिटी को कम करनी पड़ती है ताकि स्कीड ना करें। यहाँ से भी आपका एक मैक्सिमम स्पीड निकलेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आगे आने वाले क्वेश्चन में, ये भी अप्लाई होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है, लेकिन जब एक एंड, इस रोड का एक एंड को आप ऊपर कर देते, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है।
ये एंगल जितना उठ गया, ये वाला जितना उठा, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एक बार आप एक एक एंड को आप उठा देंगे तो क्या होगा, आप इसको समझने से पहले इसको समझ लीजिए। एक एंड को उठाएंगे तो क्या होगा, सपोज के लिए अभी ऐसे हॉरिजॉन्टल रोड में रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम कर रहा है, अभी ऐसे काम कर रहा है, लेकिन जब इसको आप ऊपर उठा देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा आपका ऐसे, देखिए यही नॉर्मल रिएक्शन आपका स्लैंट हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऐसे बनाया मैंने और इसका एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा इधर है ऊपर की तरफ दिख रहा है और यहाँ पे एन साइन थीटा दिख रहा है। जब आप, जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। फिर से मैं दिखाता हूँ नॉर्मल रिएक्शन का क्या है चक्कर यहाँ पर। ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम कर रहा है, मैं इसको हटा देता कार का, आपको नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम करे अगर प्लेन रोड है तो। इसका अगर एंगल को उठा देते हैं हम लोग, एक साइड को उठा देते हैं तो यही नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। तो इसका एन कॉस थीटा इधर काम करेगा, एन साइन थीटा इधर काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए एन साइन थीटा टर्न करने में हेल्प कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एन साइन थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर। उसी तरह फ्रिक्शन में भी यही चीज़ हो जाएगा। फ्रिक्शन तो आपका मोशन को उल्टा काम करता है, तो फ्रिक्शन यहाँ पर कैसे काम करेगा देखिए। फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल रोड पर काम करेगा, रोड पर नीचे की तरफ, ये सपोज के लिए फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। अब इसका एक कंपोनेंट इधर का रहेगा ऐसे एन साइन थीटा की तरफ और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ रहेगा। तो इसको जरूर आप सोचिएगा पहले, ये एंगल बैंक किया गया तो एक कंपोनेंट ऐसे होगा, फ्रिक्शन तो ऐसे काम करेगा ज़मीन से सटकर, ग्राउंड से सटकर रहेगा, एक कंपोनेंट ऐसे काम करेगा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बनाया उसको आप समझ सकते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने फोर्स बनाया, जो कंपोनेंट मास एम का एफ बी डी बनाया, मास एम इसका एफ बी डी, उस पर ध्यान दीजिए। एन आपका इधर लगा, एन कॉस थीटा, ये थीटा होगा, ये ज्योमेट्री से आप सीख सकते हैं, एन कॉस थीटा इधर लगेगा, एन साइन थीटा ऐसे लगेगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग की वजह से, ये हो गया। आप दोनों को अलग अलग सेपरेटली सोचिए फिर अप्लाई कीजिए, बन जाएगा एन साइन थीटा ऐसे लगा। उसके बाद फ्रिक्शन जो लगेगा वो रोड की तरफ, रोड क्या ये वाला है, फ्रिक्शन रोड की तरफ लगेगा, ये भी एंगल थीटा होगा बाय ज्योमेट्री। तो इसका एक कंपोनेंट नीचे काम करेगा एफ साइन थीटा और दूसरा कंपोनेंट इधर काम करेगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये सारे चीज़ों को आप ब्रेक कर सकते हैं, सारे चीज़ों को आप अगर अलग अलग सोच सकते हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से आपका दो इक्वेशन हम लोग तैयार करते हैं, एक हो जाएगा ये, इसका वेट भी नीचे की तरफ काम करेगा एम जी, देखिए यहाँ पर दिखाया हूँ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एन कॉस थीटा, आप इक्विलिब्रियम में बराबर कीजिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को, तो एन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इसको हम लोग एम जी लिख लें एफ साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा, तो इक्वेशन नंबर वन बोलिए इसको। दूसरा आप देखिए कि ये दोनों मिलकर n साइन थीटा और फ्रिक्शन का कंपोनेंट f कॉस थीटा, ये दोनों मिलकर सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे बैंक किया हुआ ऐसे घूम रहा कार। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपेटल फोर्स आप जानते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ और उसके बाद सॉल्व करता हूँ इसको। आप खुद से एक, आप एक काम कीजिएगा, कोई कॉपी लीजिए और उसको बना के देखिए तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हाई ऐसे एक तरफ स्लैंड करके सोचिए कि एन किधर काम कर रहा है, फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इससे टू को वन से डिवाइड करते हैं, टू डिवाइड बाई वन, टू डिवाइड बाई वन, तो क्या मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर जी। देखिए एम और एम कैंसिल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी मिला,
आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन। इसमें तीन चीज़ मिक्स था, एक सर्कुलर मोशन था, एक एंगल ऑफ बैंकिंग था, एक फ्रैक्शन था, इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एफ साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा, ठीक है, दोनों का डिवाइड करके हमने ले लिया। हम लोग को निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी। तो वी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग आर जी, फिर एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इसको हम लोग अगर एक काम करते हैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर बचेगा एन टैन थीटा और इधर बचेगा एफ कॉस थीटा, एफ बचेगा और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा एफ टैन थीटा माइनस एन, ये बचा। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। फिर हम लोग इसका जो आप ऑप्शन देखेंगे तो म्यू के फॉर्म में होगा, तो आप यहाँ से फ्रिक्शन को लिख सकते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू लिख सकते हैं, फ्रिक्शन का वैल्यू लिख सकते हैं म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन जब हम लोग यहाँ और यहाँ पुटअप करेंगे, म्यू गिवेन है म्यू एस, तो म्यू एस लिख लीजिए। जब यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे एफ की जगह पर म्यू एस एन और यहाँ पर पुटअप करेंगे तो एन कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, एन कॉमन निकल जाएगा तो क्या और फर्दर बचेगा हमारे पास, तो इसको देखिए क्या फर्दर बचेगा। वी इक्वल टू आर जी रूट ओवर एन निकल के ऊपर नीचे निकल कट जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस बाई, यहाँ होगा म्यू, देखिए यहाँ म्यू एस एन, एन तो निकल कट गया तो म्यू एस टेन थीटा माइनस वन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी था, फोर मार्क्स का था, तो ऐसा बन सकता है, आप लोग ऐसे बना सकते हैं इसको। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, सीबीएसई एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया है, इस तरह का डायग्राम बनाएगा इसमें, और ऐसा तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बहुत क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक फ्रिक्शन को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसका भी एबिलिटी बनाना पड़ेगा। इसके लिए देखिए टेंशन ऊपर की तरफ होगा, एक्सलेरेशन नीचे होगा, यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन ये होगा और एक्सलेरेशन इसका भी नीचे की तरफ होगा, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ठीक है, और एक्सलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन यहाँ पर पीछे की तरफ आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। तो ब्लॉक ए के लिए एबिलिटी बनाइए, ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का एबिलिटी क्या होगा, देखिए टेंशन इधर है, बॉडी इधर मूव कर रही है, तो टी माइनस एम वन ए इक्वल टू फ्रिक्शन म्यू एफ के, फ्रिक्शन लिख देता हूँ क्यों, फ्रिक्शन के टर्म में ही शायद आंसर दिया हुआ है, बना के देखते हैं, लास्ट में नहीं होगा तो म्यू फ्रिक्शन के लिए हम लोग जानते हैं म्यू के इंटू एन हमको तोड़ना होगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। अब इक्वेशन नंबर टू हम लोग बनाते हैं, यहाँ से यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, इसका वेट एम टू जी नीचे काम कर रहा है, तो एम टू जी माइनस टी इक्वल टू एम टू ए, इक्वेशन नंबर टू, यहीं से हम लोग का टेंशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल हम लोग ये दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके पहले एक्सलेरेशन, क्योंकि इससे बहुत सारे वेरिएबल्स है तो पहले एक्सलेरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सलेरेशन कितना होगा, दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो टी माइनस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम टू जी माइनस एम वन ए इक्वल टू एफ के प्लस एम टू ए, ये मिलेगा। तो एम टू जी माइनस एफ के इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए, इसको हम लोग राइट में ले लेते हैं, तो इसलिए यहाँ से एक्सलेरेशन मिल गया हम लोग को एम टू जी माइनस एफ के बाई एम वन प्लस एम टू। देखिए यहाँ से एक्सलेरेशन जब मिल गया तो आसानी के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं टेंशन को, ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग लास्ट में ये म्यू के को चेंज कर लेंगे, म्यू के का क्या होगा, म्यू के इंटू एन, एन क्या होगा एम वन जी, यहाँ पर आएगा एम वन जी नॉर्मल रिएक्शन,
इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा और वेट नीचे की तरफ होगा, तो हम लोग एम वन जी लिख लेंगे। पहले सॉल्व करते हैं, इसके बाद वाले स्टेप में क्या आएगा, देखिए यहाँ से आपको टेंशन अगर फाइंड करना है तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इधर ले जाइए, एम टू ए इधर लेके आइए, तो T इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो एम टू जी माइनस ए। तो ए का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे अगर पुट कर दे, जो हम लोग को मिला है वो पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं, एम टू जी माइनस एफ के का मतलब म्यू के एम वन जी बाई एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ से g कॉमन आ जाएगा m2 टू माइनस एम वन के एम वन इंटू म्यू के बाई एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, ये पूरा एक साथ आ गया। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, देखिए तो g a के जगह पे हम लोग पुटअप करेंगे, ये g निकलेगा, तो g को बाहर निकाल लें अगर यहाँ पर एक बार ही जी बाहर आ जाए तो यहाँ पे वन बच जाएगा, वन माइनस ए के जगह पर हम लिखते हैं एम टू माइनस एम वन म्यू के डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, टेंशन आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। चार नंबर के क्वेश्चंस हैं तो थोड़े बड़े होंगे, टफ नहीं है, लेंथी कैलकुलेशन है। देखिए तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, टेंशन एम टू जी और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एम वन प्लस एम टू, फिर एलसीएम लेंगे फिर आएगा माइनस एम टू प्लस एम वन म्यू के डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो एम टू जी यहाँ पर एम टू देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है, एम वन यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका एम वन एम टू एम वन, यहाँ पर एम वन वन प्लस म्यू के, ठीक है, एम वन कॉमन निकल गया तो वन प्लस म्यू के ऊपर आ गया और नीचे में आ गया एम वन प्लस एम टू, यही आपका आंसर होगा। तो इसको आप चाहे तो थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि पुली वाले केस में क्या था, पुली वाले केस में आपने पढ़ा था कि टेंशन अगर फाइंड करना है, टेंशन का फॉर्मूला शॉर्टकट था प्रोडक्ट बाय सम, टू इंटू प्रोडक्ट बाय सम इंटू जी, तो प्रोडक्ट बाय सम यहाँ आ रहा है, टू नहीं है, टू के जगह पर टू जी के जगह पर ये आ गया। तो इस तरह से थोड़ा कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू हो गया, चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका PMT 2015 का है, तो इसमें देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया गया वो एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट है। तो एंगल ऑफ रिपोज आपको समझाया था कि एक अगर सपोज कीजिए एक जो लिखा हुआ उसी के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको, एक मास को आपने इसको ऐसे रखा और धीरे धीरे आप क्या करते हैं इसका एक एंड को ग्रेजुअली उठाते जाते हैं, तो एक बार ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है या एक एंगल ऐसा आपको मिलेगा, ये एंगल फाई, जिस पर बॉडी अपना वेट के कारण गिरना शुरू कर देगी नीचे की तरफ। तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो वहाँ पे जब थ्योरी पढ़ाया था लेक्चर नंबर टू में या वन में था, थ्योरी जब पढ़ाया था तो वहाँ बताया था एंगल ऑफ रिपोज और म्यू में क्या रिलेशन होता है एन फाई, ये रिलेशन मैं प्रूफ करके आपको दिया था। तो आपको ये समझ में ना आया तो आप लेक्चर नंबर वन में चले जाइए, वहाँ पे इसका आपको प्रूफ मिल जाएगा कि जैसे ही जस्ट टेंस टू मोशन होगा तो वहाँ पर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा, या आपको इसको बोल सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से आप स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये एंगल फाई दिया हुआ 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर जैसे 30 डिग्री में पहुँचा वैसे ये अपने वेट के वजह से गिरना शुरू कर दिया,
यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेन थर्टी का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो 1/1.732। इसका वैल्यू आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, इसका वैल्यू सॉल्व करके आएगा 0.6, ठीक है, 0.6 आएगा, 0.6। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये बॉक्स जो है नीचे गिरना शुरू किया, 4 सेकंड में वो 4 मीटर पहुंच जाता है। तो इससे जब ये सरफेस में फ्रिक्शन है, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब है कि इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। ये कितना मूव किया, यहाँ पर तो यहाँ पर स्पीड इसकी 0 थी, यहाँ से मूव किया सपोज के लिए इस पोजिशन पर आया, ए से बी पर आया, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आया, इतना ए से बी की दूरी क्या दी हुई है क्वेश्चन में, दी हुई 4 मीटर, टाइम कितना लगा 4 सेकंड यहाँ तक आने में, ये एंगल थीटा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, म्यू के फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये मूव कर रहा है ना, तो म्यू के आप फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर FBD बनाएंगे, इंक्लाइंड प्लेन का बहुत सारा बनाया, MG ऐसे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम करेगा, और ठीक ये थीटा होगा तो MG cos थीटा इधर काम करेगा, MG sin थीटा नीचे की तरफ काम करेगा, और फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसा कीजिए, जब भी इंक्लाइंड प्लेन होगा तो आपको एक्सेलरेशन का शॉर्टकट सिखाया था, मैं फिर आपको सिखा दे रहा हूँ, लेकिन उसको याद कीजिए कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन पर विथ फ्रिक्शन होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू आप लिख सकते हैं म्यू के इंटू एन, और यहाँ से एन निकाल लीजिए, एन कितना होगा, यहाँ से एन होगा, एन देखिए किसके बराबर है, MG cos थीटा के, तो MG cos थीटा आप लिख लीजिए। तो इसको अगर मास हम लोग अलग कर दें, म्यू के cos थीटा कर दें, म्यू के जी cos थीटा, तो ये आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन मिला वो जी sin थीटा मिल रहा है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड को रब कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से देख सकते हैं। एक बार मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन इसको आपको एग्ज़ाम में अगर टाइम मैनेजमेंट का जो फैक्टर होता है, बहुत जल्दी आपको अगर इसको बनाना है तो आप इसके रिजल्ट्स को याद रखिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। इंक्लाइंड प्लेन पर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ जी साइन थीटा, अगर एक्सेलरेशन इसमें है तो पीछे की तरफ इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा म्यू के जी कॉस थीटा। तो डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, तो जी को कॉमन निकाल लीजिए, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये आपका निकल गया डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन। अब इस रिजल्ट को याद रखिएगा, कभी भी अगर डाउनवर्ड दिया रहेगा, डाउनवर्ड में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जी नहीं लिखे, आप जी साइन थीटा लिखिएगा। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा, अगर आपका फ्रिक्शन दिया हुआ तो ऊपर की तरफ म्यू के जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन आप इस वैल्यू को डायरेक्ट याद रखिएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो इसको डिलीट कर दिए, जी साइन थीटा बचेगा। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। हम लोग को यहाँ से इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आपको एक्सेलरेशन आपको इसमें सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ½ at2। तो यहाँ पर देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट 4 दिया हुआ है, टाइम 4 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको अगर ये याद होगा, और यू भी आपका 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो बहुत फास्ट बना सकते हैं, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ इसलिए आपको बता दिया, इसको 4 ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, हाफ ए का वैल्यू आप रखिए जी साइन थीटा। तो थीटा की जगह कितना पुट कीजिएगा आप, थीटा की जगह आप पुट कर सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि इसके बाद बॉडी गिरना शुरू हो गया, तो मिनिमम एंगल आपको मिल गया 30। म्यू के आपको शायद फाइंड करना है, इसमें म्यू के फाइंड करना है, तो कॉस 30 दे दीजिए। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये जी की जगह हम लोग अगर 10 पुट अप कर दें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा,
ये 5 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, हाफ म्यू के। कॉस 30 कितना होता है, रूट 3/2। ये सब कुछ अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.51, ये आंसर मिलेगा। तो आपको आंसर मिला म्यू एस मिला 0.6 जो ऑप्शन में दिया हुआ था, और म्यू के मिला 0.5 ही शायद दिया है, या 5.1, आप जो ले लीजिए, ये आपका आंसर मिला। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है CBSE AIPMT 2014 का। इसमें पूछा गया है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पूछा गया है पूरे सिस्टम का। तो जो ऊपर में ऐसे मास हैंग कर रहा है, और इसमें दी गई है कि M1, M2, M3 तीनों का मास सेम है, ठीक है। तो फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन यहाँ पे म्यू एम जी, क्योंकि ये M2 भी M के बराबर, N ऊपर की तरफ है, MG नीचे है। यहाँ भी म्यू एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, म्यू एम जी पीछे की तरफ लग रहा है। और इस टेंशन को आप टी ले लीजिए, और यहाँ M1G मतलब MG, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे, आपने इस पूरे सिस्टम को एक बना लीजिए, M1 M2 को ब्लॉक M1 M2 को आप एक कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर टेंशन नहीं पूछा गया। यहाँ पर टेंशन पूछा जाता तो फिर हम लोग यहाँ पर अलग करते, यहाँ पे सबको सब पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन के लिए ये ब्लॉक 1 है, ये 2 ब्लॉक है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो ब्लॉक 1 का अगर आप FBD बनाते हैं, ब्लॉक 1 का FBD क्या होगा, MG-T=MA, इक्वेशन नंबर 1। और फिर यहाँ पर देखिए 2 ब्लॉक है, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसमें तो एक ही फोर्स है, इस ड्राइविंग फोर्स तो सिर्फ ये है, हम लोग शॉर्टकट से ये बना सकते हैं, लेकिन पहले बनाना सीखते हैं। ब्लॉक नंबर 2, ये दोनों ब्लॉक एक साथ है, तो देखिए दोनों ब्लॉक में पीछे की तरफ टेंशन आगे लग रहा है, और पीछे की तरफ, क्योंकि इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है। न्यूटन्स लॉ में आपने काफ़ी सीखा था, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। तो टी सामने की तरफ लग रहा है और पीछे की तरफ 2 म्यू जी रहा है, दोनों को हम अगर एक बोल दें तो मास हो जाएगा यहाँ पर आपका 2, मास हो जाएगा 2m। इस पर फोर्स लग रहा है 2 म्यू जी पीछे की तरफ, 2 म्यू एम जी पीछे की तरफ लग रहा है, 2 म्यू एम जी पीछे की तरफ लग रहा है, और टेंशन सामने की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर इफेक्टिव जो वैल्यू होगा, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसका आप लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सोच के देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो आपने सोच लिया होगा, देखिए कैसे बनेगा। इसमें भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इसका हो जाएगा T-2μmg=2m(a), इक्वेशन नंबर 2। अगर आप 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग डायरेक्ट मैं आंसर लिखता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को देखिए सॉल्व कीजिए, TT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा G/3, 1 - 2μ, ठीक है, यह आंसर मिला। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर टेंशन दिया होता तो हम लोग फिर टेंशन के लिए भी सॉल्व करते। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नीट तो 2013, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और 2010 का क्वेश्चन लेक्चर नंबर 17 में दोनों को मैंने कवर किया है। तो आप लेक्चर नंबर 17 मतलब फ्रिक्शन का पार्ट 2 में आप चेक कर लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। अब ये CBSE 2004 का क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक पुली है, मैं क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा हूँ, समझाया था, एक पुली है जहाँ पर इसका ब्लॉक ए का मास 2 kg है, ठीक है, और म्यू एस यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर म्यू एस दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू एस 0.2, ठीक है, और जी का वैल्यू इतना लेना है। इसमें पूछ रहा है कि ब्लॉक बी का मास कितना हम लोग मैक्सिमम ले जिससे दोनों बॉडी मूव ना करें, मतलब इक्विलिब्रियम में हो। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा FBD बनाते हैं तो समझ में आएगा। इसका मास को कैपिटल M लीजिए, और इसका मास तो दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। इसमें तो वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा, ऐसे ही मोशन होना चाहिए, तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ होगा और
एम जी नीचे की तरफ होगा, इसी एम को फाइंड करना है जिससे बॉडी मूव ना करे। और इस डायरेक्शन में आपको लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, मूव नहीं कर रहा इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, म्यू एस इंटू एन, एन कितना होगा एम जी, एम जी का मतलब 2 × 10 मतलब हो जाएगा, म्यू एस दिया हुआ 0.2 तो 2 × 10 ये कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया, 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 4 न्यूटन है और टेंशन इस डायरेक्शन में है। तो ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए के लिए आप ए बी डी बनाइए क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है। ब्लॉक बी के लिए पहले बनाइए, बॉडी तो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है एम जी टी इक्वल टू एम जी हो जाएगा, मूव नहीं कर रहा तो, ठीक है। तो एम हम लोग को पता नहीं है, तो इस वाले रिलेशन से हम लोग एक नंबर बोलिए, इस वाले रिलेशन से हम लोग टेंशन फाइंड कर लेते हैं, बॉडी मूव नहीं कर रहा इसका मतलब है टेंशन मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना निकला, 4 निकला, तो टेंशन के जगह पे आप 4 रख दीजिए, ओके। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में जब पुट करेंगे टेंशन की जगह पे तो 4 आएगा एम इंटू जी, तो जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू 10 है, तो कितना आएगा आंसर आपका, एम आ जाएगा 4/g मतलब 10 0.4 kg। अगर यहाँ पे आप 0.4 kg रखते हैं मैक्सिमम मास तो बॉडी मूव नहीं करेगा, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये काफ़ी रेगुलर क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ और फिर आप इसका रिज़ल्ट ही याद रखिएगा। इसमें क्या, इससे फर्स्ट लेक्चर में आज का फर्स्ट क्वेश्चन में इसको मैं डिस्कस किया था। सपोज के लिए हॉरिजॉन्टल रोड है, इस पर कोई कार ऐसे घूम रही है, तो बोला जा रहा कि स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, क्योंकि जब घूमने के टाइम में अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो स्कीड करेगा, तो मैक्सिमम स्पीड कितना लेके ये घूम सकता है। तो यहाँ मैं बताया था कि एम वी स्क्वायर बाई आर सेंटीमीटर फोर्स इसको कौन देगा, तो इसको फ्रिक्शन देगा, फ्रिक्शन के कारण इसको सेंटीमीटर फोर्स मिलेगा। जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। ऐसे घूमेंगे तो ये स्कीड करने को इसका पीछे की तरफ, तो ऐसे घूमने के लिए सेंटीपेडल फोर्स कौन देगा, फ्रिक्शन फोर्स देगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्कीड कर जाएगा। तो आप लिखिएगा हेयर सेंटीपेडल फोर्स प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर ऑफ द कार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स, देखिए फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो होना चाहिए। फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ही हम लोग को ये मूव कर सकते हैं हम लोग। तो फ्रिक्शन को तोड़ दीजिए म्यू इंटू एन में एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से एन, अगर इसकी मास को एम लेंगे तो एन ऊपर की तरफ मिलेगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग फिर फर्दर ऐसे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर, एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा है, इसके बाद यहाँ देखिए म्यू एस वी निकालेंगे, आर म्यू एस को म्यू लिखते हैं जी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर, ये मिलेगा। तो वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वी लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग आर म्यू आर जी। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला आपको, म्यू आर जी मिला। तो इस केस में ये रेगुलर केसेस हैं, इसको आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, बार बार इस थ्योरी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यू का वैल्यू दिया गया 0.4, आर दिया हुआ है 30 मीटर और जी लेना आपको 9.8। तो डायरेक्ट मैं यहाँ आंसर ले लेता हूँ सॉल्व करके, आंसर होगा 10.84 मीटर पर सेकेंड, ये आपको इसका आंसर मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए CBSE AIPMT 91 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी रेगुलर केस है, मैं रिजल्ट लास्ट में बताऊंगा, उसको आप रिजल्ट को याद कर सकते हैं। एक टेबल के ऊपर चेन रखी गई है, इस चेन को बोल रहा है कि फ्रिक्शन, यहाँ पे टेबल में फ्रिक्शन है, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्ट नीचे हैंग कर सकता है जिससे ये बॉडी
ग्रेन, ठीक है, बॉडी को मूव नहीं कराना है, कितना पार्ट हैंग कर सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, चेन का जो जो टेबल का ऊपर चेन है उसका टोटल लेंथ एल है और मास एम है इस चेन का। तो एक यूनिट चेन का मास कितना होगा, एम बाई एल। तो एक्स यूनिट मान लिया हमने लेट एज्यूम किया, एक्स फ्रैक्शन हैंग कर रहा है, तो एक्स फ्रैक्शन का मास हो जाएगा इतना, और जो ऊपर टेबल को ऊपर है रेस्ट पे है तो उसका मास हो जाएगा इतना। तो दोनों का मास हमने लिख लिया और बोल रहा है कि ये बॉडी गिरना नहीं चाहिए। तो गिरना नहीं चाहिए इसका मतलब गिर क्यों रहा है, इस मास के कारण गिर रहा है। तो एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, इतना वेट, इतना वेट अगर बैलेंस कर देता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर बैलेंस कर देता है तो ये बॉडी गिरेगा नहीं। इसका मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द, वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट। तो जो हैंगिंग पार्ट होगा उसका वेट जितना होगा। तो फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन सॉल्व कर लेते हैं। फ्रिक्शन आता है म्यू इंटू एन, म्यू 0.5 दिया हुआ, तो लास्ट में पुट कर लेंगे। एन कितना होगा, देखिए इसका एम जी नीचे, एम जी नीचे है, तो एम का मतलब ये टोटल है, ये पूरा मास है। तो एम एल बाई एल माइनस एक्स इंटू जी, इतना इतना इसमें फ्रिक्शन होगा टेबल के ऊपर, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो इसके हिसाब से फ्रिक्शन हैंगिंग पार्ट के मास के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फ्रिक्शन को लिखते हैं हम लोग म्यू एम बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू जी, और एम एक्स मतलब इसका वेट, एम एक्स इंटू जी। तो एम एक्स कितना है, एम बाई एल इंटू एक्स, एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। तो यहाँ से हम लोग एक्स सॉल्व कर लेते हैं, एक्स कितना हैंग है, ठीक है, एम बाई एल कैंसिल आउट हो गया, जी कैंसिल आउट हो गया, म्यू एल माइनस एक्स इक्वल टू एक्स मिला। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो म्यू एल माइनस म्यू एक्स इक्वल टू एक्स, तो म्यू एल इक्वल टू एक्स वन प्लस म्यू। तो यहाँ से देखिए हम लोग को एक्स मिल गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए एक्स मिल गया आप लोग को म्यू बाई वन प्लस म्यू इंटू एल टोटल लेंथ। तो इस इसका आप क्या कि रिजल्ट को भी याद कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पूछा जाए कि रेस्ट कितना, चेन रेस्ट कर रहा है टेबल के ऊपर, तो उसको भी लिख सकते हैं आप एल माइनस एक्स करके, इसमें एल में माइनस कर लीजिए आ जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग को पूछा है कितना परसेंट हैंग करेगा, परसेंट फ्रैक्शन बोला है, परसेंट में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्स म्यू दिया हुआ 0.525, वन प्लस 0.25 इंटू एल, तो ये हो जाएगा 0.25 1.1 बाई 5 इंटू एल। तो एक्स बाई एल इक्वल टू मिला 1/5। अगर एक्स बाई एक्स फ्रैक्शन है, एल टोटल लेंथ है, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे 100 कर देना होगा, तो आपको मिल जाएगा 20% आंसर मिल गया, ठीक है, ओके। फिर देखिए 98 का क्वेश्चन के लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें दिया हुआ है ट्वाइस द टाइम। मैं एन लेके बनाता हूँ, एक जनरल फॉर्मूला बनाता हूँ, जिससे अगर यहाँ पे ट्वाइस भी दे सकता है, थ्राइस भी दे सकता है, बहुत सारा वैल्यू अलग अलग दे सकता है, ठीक है। तो एक एन लेके एक फॉर्मूला आपको बिल्डअप कर देता हूँ, फिर आपका ट्वाइस थ्राइस कुछ भी हो सीधा रिजल्ट में पुट करना और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है दो चीज़ दी हुई है, एंगल तो 45 डिग्री है, दो केस, दो ट्राइंगल बनाइए आप, एंगल 45 डिग्री है, ऊपर से कोई ब्लॉक स्लाइड गिर रहा है, यहाँ से कोई ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, कोई ब्लॉक नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर बोला है कि फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे होगा, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है मतलब म्यू है, तो उसी को हम लोग को फाइंड करना है, म्यू कितना होगा, ठीक है। तो दोनों केस में लेंथ, यहाँ से लेके ए से लेके बी का डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ होगा एल, और दोनों केस में इनिशियल स्पीड जीरो है, ए से बी तक का लेंथ होगा एल और इनिशियल स्पीड जीरो है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, दोनों का लेंथ तो बराबर है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है,
तो दोनों केस में लेंथ बराबर है आपका। अच्छा, एक्सेलरेशन दोनों केस में अलग होगा। अभी थोड़ा देर पहले आपको सिखाया कि इसका रिजल्ट याद कीजिए। इसमें एक्सेलरेशन ए वन बोले, इसमें ए टू बोले अगर, तो ए वन का वैल्यू हो जाएगा जी साइन थीटा। मैं थीटा लेके बना रहा हूँ अभी, ताकि आपका एक जनरल फॉर्मूला तैयार हो, जी साइन थीटा। अगर 45 है तो आसान है, कैलकुलेशन ईजी होगा। ऐसा क्वेश्चन में 45 भी दिया जाता है। और यहाँ पर ए टू में क्या हो जाएगा, जी साइन 45 डिग्री माइनस म्यू म्यू जी कॉस 45 डिग्री। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया और बोला कि ये रिज़ल्ट काफ़ी काम का है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोनों केस में आप देखिए, एस अगर यूज करते हैं, एस मतलब लेंथ एल है, तो यहाँ पे कितना आएगा, एल इक्वल टू आएगा हाफ ए वन टी स्क्वायर, और यहाँ पे लेंथ आ जाएगा हाफ ए टू टी स्क्वायर। तो एन टाइम्स हम लोग मान लेते हैं, से एन टाइम्स, अगर फ्रिक्शन है तो एन टाइम्स लगा, तो एन टी का स्क्वायर, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को अब हम लोग इक्वल कर सकते हैं, इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिए, उस रिजल्ट को याद कर लेना है आपको। फ्रिक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरह ही पढ़ना है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसका आप एक रिजल्ट जो बन रहा है स्टैंडर्ड, उसको याद करने से बेटर होगा। ये दोनों एल बराबर होगा ना, इक्वल होगा, तो क्या करेंगे आप, हाफ ए वन टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए टू एन स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपका ए वन का वैल्यू कितना आएगा, हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए वन का वैल्यू आ जाएगा आपका जी साइन 45 डिग्री, और ए टू का वैल्यू आ जाएगा जी साइन 45 डिग्री माइनस म्यू कॉस 45 डिग्री, हाफ ए और इंटू एन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ इस को सॉल्व करने से आपके पास बहुत अच्छा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा म्यू का फॉर्म में। देखिए, आप जो शुरू से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, देख रहे हैं कुछ दो चार चीज़ें हैं जिसका हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, अगर उस रिज़ल्ट को याद कर लेते हैं, जैसे ये इसका वैल्यू, जी का वैल्यू विथ फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन, तो बहुत आसानी होगी सॉल्व करें। जी कैंसिल आउट हो गया, साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू इक्वल होता है, इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा वन, यहाँ बचा वन माइनस म्यू एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर का वैल्यू अगर म्यू निकालना चाहते हैं आप, तो एन स्क्वायर माइनस म्यू एन, तो म्यू एन इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लाइए, एन स्क्वायर माइनस वन, तो म्यू का वैल्यू आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन, एन माइनस वन बाई एन, तो म्यू का वैल्यू आ गया एन माइनस वन बाई एन। ये म्यू का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है हमको, वन माइनस म्यू एन स्क्वायर, तो आपको चाहिए म्यू, तो एन इस, अच्छा यहाँ पे एन स्क्वायर छूट गया, तो म्यू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इसको एलसीएम लेंगे तो वन माइनस एन स्क्वायर। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में बोला है n का वैल्यू टू दिया हुआ है, तो आप म्यू सॉल्व कर सकते हैं, वन माइनस वन बाई टू, एन के जगह पे टू स्क्वायर कर लीजिए, तो वन माइनस वन बाई फोर, तो फोर थ्री बाई फोर मतलब 0.75 आंसर हो गया। अगर आप इस रिजल्ट को याद कर लेते हैं, तो इसमें बहुत क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक, कभी ट्वाइस देता है, कभी थ्री टाइम्स देगा, ऐसे करके फोर टाइम्स देगा, तो आप जितना भी दे आप इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का फ्रिक्शन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।